दोस्तों Xiaomi ने फाइनली लॉन्च कर दिए Redmi 9 और ये फ़ोन गेमर्स के लिए और परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा माना जा रहा है और जिस प्राइस कैटेगरी में ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है ये एक बीस्ट फ़ोन होने जा रहा है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, हम करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात और मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर हम पहले Redmi 9 की लुक के बारे में बात करें तो फ्रंट साइड पे जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है और साथ एक नोज डिस्प्ले मिल रहा है। बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरास का सेटअप मिल रहा है और जो बैक आपको है प्लास्टिक की मिल रही है, लेकिन बैक के ऊपर स्टफ इस तरह का है कि अगर आप उसे किसी सरफेस पर रखेंगे तो उस पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। उसके अलावा फ्रंट साइड पे आपको फुल HD स्क्रीन मिल रही है और जो फ्रंट कैमरा है उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा बैक साइड पे 4 कैमरास दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट कैमरा है 30 मेगापिक्सल का, सेकंड अल्ट्रा वाइड कैमरा है, उसके बाद आपको मैक्रो कैमरा भी मिल रहा है और एक डेप्थ सेंसर कैमरा भी दोस्तों मिल रहा है। उसके अलावा इस फ़ोन में आपको जो केबल मिल रही है वो है टाइप सी की और आपको जो मिल रहा है रैम वो है 3GB रैम है और साथ इंटरनल स्टोरेज है इस फ़ोन की 2GB है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मेमोरी कार्ड वगैरह डालना चाहते हैं, आप अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो मेमोरी तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, आप 128GB तक का मेमोरी कार्ड इस फ़ोन में डाल सकते हैं। अब क्योंकि इस फ़ोन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है और इस फ़ोन में आपको बैटरी मिल रही है 5000 mAh की। अब अगर आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस जाके देखें तो इस लो प्राइस रेंज में आपको किसी फ़ोन में भी ये स्पेसिफिकेशंस नहीं मिल रही और ख़ास तौर पे 5000 mAh की बैटरी, लेकिन इस फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का भी साथ सपोर्ट मिल रहा है, मतलब आपको जो चार्जर मिल रहा है वो है 10 वोल्ट्स का बॉक्स में, लेकिन अगर आप वैसे चार्जर बाय करना चाहते हैं तो आप 18 वोल्ट्स का फास्ट चार्जर भी बाय कर सकते हैं। जब आप चार्जर बाय करेंगे 18 वोल्ट्स का तो आप जब 0 to 100 चार्ज करेंगे उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा फ़ोन चार्ज कर लेंगे 0 to 100 इसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा कमाल होने जा रही है। अब यहाँ पे Xiaomi ने इसे थोड़ा सा गेमिंग फ़ोन भी रख दिया है। यहाँ जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है उसमें जो चिपसेट है वो है MediaTek Helio G80 जो कि बहुत ज़्यादा गेमिंग के लिए अच्छी चिपसेट है। अब इस प्राइस रेंज में कोई भी फ़ोन आप अगर लें तो आपको MediaTek G80 नहीं मिलेगी चिपसेट, लेकिन ये गेमिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी चिपसेट है। तो अगर आप गेमिंग के पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बीस्ट है, क्योंकि जो स्क्रीन आपको मिल रही है वो है फुल HD रेजोल्यूशन की, उसके बाद बैटरी भी आपको बड़ी मिल रही है और आपको जो चिपसेट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है इस फ़ोन में। उसके अलावा फिंगरप्रिंट और फेस ID दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन Xiaomi ज़्यादातर कहता है कि अगर आप यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तो आप फिंगरप्रिंट ही यूज़ करें और हमें पता है कि Xiaomi के जो फ़ोन का फिंगरप्रिंट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे फिंगरप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फिंगरप्रिंट होगा, लेकिन अगर आप फेस ID की तरफ जाते हैं, वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करता फेस ID, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है तो आप वो यूज़ किया करें, लेकिन फेस ID इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है इस फ़ोन का, तो आप वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिंगरप्रिंट की तरफ ही जाएँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा ओवरऑल हम ये फ़ोन देखें तो आपको कोई भी कंपनी इस स्पेसिफिकेशन में ये प्राइस टैग नहीं प्रोवाइड कर रही, तो अगर आपने गेमिंग भी करनी है और आपने वीडियोस वगैरह भी देखनी होती हैं और बजट फ़ोन आपने बाय करना चाहते हैं तो ये Xiaomi Redmi 9 आपके लिए बेस्ट फ़ोन है। दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। Thank you.